हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश, और आज हम देखेंगे कि अल्टो का ओल्ड मॉडल है उसमें एसी केबिन फिल्टर कैसे बिठाते हैं। ये जो मॉडल है इसमें कंपनी फिटेड एसी केबिन फिल्टर आता नहीं है, तो मैंने बहुत ट्राई किया, यूट्यूब पे सर्च किया, तो मुझे दो तीन ऑप्शन मिले जिसमें इसका लोकेशन कैसे होता है, कहाँ होता है, और इसमें कैसे प्रोविज़न की जाती है या कंपनी ने प्रोविज़न दी हुई होती है लेकिन कंपनी फिटेड आता नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि इसमें कैसे एसी फिल्टर बिठाते हैं। केबिन फिल्टर का इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि जो ब्लोअर रहता है एसी का, वो जब हम एसी चलाते हैं तो जो केबिन में जो डस्ट पार्टिकल जो रहते हैं उसको सक करता है और वो एसी वेंट थ्रू वापस रिसर्कुलेट करता है। तो ये जो है वो हमारे मतलब बॉडी में जाके हार्म कर सकते हैं, तो हम लोगों को ये फिल्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट, हेल्थ के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे, मैंने आफ्टर मार्केट मुझे मिला, मारुति का नहीं मिला है मुझे, तो मैंने आफ्टर मार्केट लिया है, 250 रुपये में मुझे पड़ा है। तो आज हम देखेंगे कि इसमें कैसे ऐसी फिल्टर प्रोविज़न है, वो ओपन करेंगे और उसमें ये फिल्टर को कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो बने रहे वीडियो में, और पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। एसी केबिन फिल्टर का लोकेशन डैशबोर्ड में ग्लो बॉक्स के पीछे होता है। ये जो दोनों साइड में नॉब दिखाई दे रहे हैं उनको हमको थोड़ा सा पुश करना है और ग्लो बॉक्स को नीचे लेना है। ये जो जगह है यहाँ पे एसी केबिन फिल्टर को हमें इंस्टॉल करना है, लेकिन अभी ये सील पैक है तो हमें तीनों साइड से इसे कट करना है। यहाँ पे देखिए, जगह एम्प्टी है, यहाँ पे हमें फिल्टर इंस्टॉल करना है। अभी ग्लोव बॉक्स को हम लोग साइड से पुश करके वापस
जगह पे बिठा देंगे और ये हो गया लॉक।